नमस्कार साथियों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 9वीं और 10वीं के एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में, और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए किस प्रकार हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं, ये है आपके सामने 9वीं कक्षा सिलेबस। इसमें आपके सिलेबस में 15 चैप्टर शामिल है, और स्पेशल मैं 9वीं क्लास वाले बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको इस 15 चैप्टर में से लगभग 9 या 8 चैप्टर आपको एज इट इज़ 10th क्लास में मिलने वाले हैं। और ये है साथियों आपका 10वीं कक्षा का सिलेबस, इसमें भी आपके 15 चैप्टर हैं। और जैसे मैंने पहले बात की थी कि इसमें जो 9वीं कक्षा के 8 या 9 चैप्टर मिलेंगे आपको, इनमें से देखते हैं कौन कौन से चैप्टर जो 9वीं कक्षा में आपने पढ़ने हैं और 10वीं कक्षा में आपके काम आने वाले हैं। सबसे पहले तो ये पहला ही चैप्टर है इसमें, वास्तविक संख्याएँ, जो 9वीं कक्षा में भी है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा चैप्टर है बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, और ये तीसरा चैप्टर भी 9वीं कक्षा का ही है। उसके बाद त्रिभुज 9वीं कक्षा में भी है और 10वीं कक्षा में भी आपके सामने देखने को मिलेगा। उसके बाद साथियों 10वां चैप्टर वृत्त रचनाएं और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और ये इसका जो आयतन 13वां चैप्टर भी इसमें 9वीं कक्षा का ही है, और संख्या की और प्रायिकता, ये सभी के सभी चैप्टर आप 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे और 10वीं में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। बेसिक वही है, बस थोड़ा सा लेवल में इसका परिवर्तन है। ये था 9वीं और 10वीं का सिलेबस। अगर मैं बात करूं HSSC, SSC, रेलवे या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के बारे में, उनमें जो मैथ होता है, अर्थमेटिक्स हो या एडवांस मैथ हो, उनका जो बेसिक है मुख्यतः 9वीं और 10वीं के ही सिलेबस से आता है। अगर आपका ये बेस मजबूत है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपको सीखने की आवश्यकता होगी, वो भी तभी आएंगे जब आपका बेस क्लियर है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 9वीं और 10वीं की इन क्लासों को देखें, कहीं से भी सीखें और अन्य प्लेटफॉर्म से सीखें, तो इनको अगर आप सीख लेते हो आपको बड़ी आसानी होगी मैथ समझने की। और हाँ, अगर मैं बात करूँ 9वीं और 10वीं की जो ये वीडियो है मैथ की हो चाहे साइंस की हो, जो हमने शुरुआत की है उसके सिलेबस की जो वीडियो हम फरवरी तक अपलोड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम दें। तो इतने प्यार से आप लोगों ने सुना, तो आपका सबका धन्यवाद। अलविदा, जय हिंद।